सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो आज है आपके साथ योगेश्वर तिवारी। मैं हूं कॉरपोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी दिल्ली साकेत ब्रांच से, और आज हमारे हार्ड डे 60 चैलेंज का 17वां दिन है, जिसके हम सीखने आए हैं कि कैसे हम HI मेथड के मदद से कैसे RL को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो चलिए आइए हम आते हैं, आपको अपने ट्रेनियों से मिलवाते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब सैफी है। शादाब सैफी है, ओके। तो आज क्या करने आए हो आप, क्या सीख रहे हो? बेसिकली आज हमने रिड्यूस लेवल निकाले हैं, अलग अलग बेंचमार्क हमने सेट किया है, और राइज एंड फॉल मेथड से हमने हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमने क्या निकाला है, रिड्यूस लेवल निकाले हैं। उसमें बेसिकली हमने क्या है ना, फ्लाई मेथड यूज किया, फ्लाई लेवलिंग यूज किया, जिसमें हम केवल बैक साइड लेते हैं, फोर साइड लेते हैं। ऐसे हमने डिफरेंट पॉइंट्स के साथ उसका रिड्यूस लेवल निकाला है। फाइनली हम जहाँ पर बेंचमार्क है हमारा, वहाँ पर हमने फाइनल पॉइंट निकाले जो हमारा क्या होगा, सेम रिड्यूस लेवल होगा जितना हमने बेंचमार्क में माना था। तो इन्होंने बताया कि आज हम फ्लाई लेवलिंग करने आए हैं। बेसिकली लेवलिंग कितने टाइप के होते हैं, आप सभी ने कॉलेज में पढ़ा है, फ्लाई लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। तो आज हम बेसिकली पढ़ने आए हैं फ्लाई लेवलिंग के बारे में। फ्लाई लेवलिंग मतलब क्या, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को बार बार चेंज करते हैं, मतलब उसमें हम दो टाइप की रीडिंग लेते हैं, एक बैक साइड होता है और एक फोर साइड होता है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट को बार बार चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को सेट कैसे करते हैं। तो हम बुलाते हैं अपने ट्रेनी को, आइए। क्या नाम है आपका? फरमान अली साहब। फरमान अली साहब, ठीक है। तो चलिए आप बताइए पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किसको क्या क्या बोलते हैं आप बताएंगे हमारे व्यूअर को। ये ट्राइपॉड है। ठीक है, ये ट्राइपॉड है। हाँ, अब इनके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करें। इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ठीक है, लेवलिंग स्क्रू। कौन से स्क्रू? लेवलिंग स्क्रू। और ये सर हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक सर। और जो इसको टेलीस्कोप बोलते हैं पूरे। हाँ बिल्कुल, टेलीस्कोप होता है, बीच वाले इसको पेडिस्टल बोलते हैं सर। हाँ, और इसको आई पीस बोलते हैं सर। हाँ हाँ, आई पीस लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइव मोशन लोब होता है सर। हाँ हाँ, मतलब धीरे धीरे, मतलब राइट और लेफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, फोकसिंग स्क्रू से अपना जो हमारा इसका रीडिंग होते हैं ना। हाँ हाँ, इसको फोकस करते हैं सर। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ये बबल है सर। हाँ, इनके मतलब जो स्क्रू है, इनके द्वारा इसको सेंटर में लाया जाता है। सेंटर में लाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करिए अपना प्रोसीजर। यस सर, इधर आ जाइए, इसको इधर आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए सर। चलिए, फरमान अली साहब हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं। कैसे सेट करते हैं देखते हैं। क्या करते हैं पहले? सबसे पहले क्या करते हैं? टाइट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बेस प्लेट है, इसको सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पे लाओ अच्छे से। ठीक है, ये अपना हल्का सा ला लिए क्या पे, सेंटर पे। सेकेंड मेथड क्या है? हाँ, इसको सर 50 में लाना है, यानी कि जो यहाँ पर जो लाइन होती है ना, हमको सर इसको तीनों उसमें मतलब लेवल करना है, बिल्कुल बराबर रखना है सर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके तीनों जो लेवलिंग स्क्रू है, यहाँ पे आप लोगों का एक लाइन मार्क होता है, जिसको हमको 50% खोलना है, मतलब तीनों को सेम लेवल पे आपको खोलना है टॉप से। ओके, ठीक है। तीसरा क्या है? हमें सर अपने बबल को चेक करना है कौन सी डायरेक्शन में सर। ठीक है, सब जो तीसरा है कि हमको चेक करना है हमारा जो बबल है वो नॉर्थ के नियर है कि साउथ के नियर है। देन फिर हमको उसको क्या करना है, या तो नॉर्थ में लेके आना है या तो फिर साउथ में लेके आना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले दो स्क्रू यूज करेंगे सर। दो स्क्रू यूज करो, आउटवर्ड। और टेलीस्कोप कहाँ पे होना चाहिए आपका? किसी भी दो स्क्रू के बीच में होना चाहिए, यही होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 फुट स्क्रू को या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड घुमाएंगे। ठीक है, तो मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि बताइए यहाँ पे पहले दिखाइए बबल लेवल को कि नॉर्थ में कि साउथ में। जूम करिए, कहाँ पे दिख रहा है अपना अभी बबल? मुझे नॉर्थ के क्लोजली दिख रहा है सर। कहाँ पे दिख रहा है? नॉर्थ के। नॉर्थ पे दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ पे, ठीक है। आइए बताइए और बताइए कोई कौन से डायरेक्शन पे बताइए। सर ये है साउथ ईस्ट साइड में है। हाँ, साउथ ईस्ट में है। और बताइए इधर इस साइड साउथ ईस्ट में है। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने ना
पेंटा मिरर को देखा तो पेंटा मिरर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट दिखता है, ठीक है। उन्होंने गलत नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने क्या दिखा, सीधा बबल लेवल को देखा, सीधा ऐसे टॉप से देखा, ठीक है। आप भी पेंटा मिरर में देखते तो वही दिखता आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर आप पेंटा मिरर से भी सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी देख के टॉप से सेट कर, आपको जिसमें सुविधा लगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो प्रोसेस चालू करिए। अभी ये इन्वर्ट की ओर घुमा रहे हैं और दोनों को कैसे घुमाना है, एक साथ करना है, या तो इन्वर्ट या तो आउट, ठीक है। अब देखते हैं सर, ये बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। कैमरामैन को फिर से बोलूंगा कि भैया दिखाइए साउथ में आया कि नहीं, नीचे जूम करके आ गया साउथ पे, ठीक है। साउथ पे आ गया, ठीक है, आ जाइए इधर। अगर साउथ पे आ गया अब क्या करेंगे, सेंटर पे लाएंगे, पक्का है। उसके लिए क्या ये दोनों स्क्रू का यूज करेंगे, नहीं, इसका सामने वाले थर्ड स्क्रू का यूज करेंगे। तो चलिए आप इसका यूज करिए, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, बिल्कुल सही। देखते हैं, कैमरामैन को बोलूंगा दिखाइए कि क्या बबल, चलो घुमाइए। यस सर, आया सेंटर पे, यस सर, ठीक है। तो ये अपना बबल जो हो गया किस पे आ गया, सेंटर पे आ गया। अब बबल सेंटर आने के बाद अपन क्या करते हैं, क्रॉस चेक करना पड़ता है, कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो मैं इसको एक बार 180 डिग्री पे घुमा दूं, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक करता हूं, फिर से दिखाओ, सेंटर में ही है अपना बबल, ठीक है। मतलब अपना जो सेंटर की है वो क्या है, सही, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस था हमारा, क्या चीज करने का, इंस्ट्रूमेंट सेट करना, फिर देन क्या करना, बबल को सेंटर पे लाना, ठीक है, बबल को सेंटर पे लाना। तो यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया पूरा। अब क्या करने आए, आज क्या करने आए हम लोग, फ्लाई लेवलिंग करने आए, कौन से मेथड से, एचआई मेथड, ठीक है। और बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, लेवल को क्या करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, बेंचमार्क लेना पड़ता है, जिसका आरएल हम क्या लेते हैं, 100 मीटर लेते हैं, पक्का। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बैक साइड लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड। अच्छा, उसको बैक साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर लेवलिंग में हमेशा फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, बैक साइड होती है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, फोर साइड लेंगे, सेकेंड रीडिंग फोर साइड क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने वाले हो। अगर इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते तो वही कौन सी रीडिंग होती, इंटरमीडिएट साइड। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो चलिए एक स्टाफ लेके वहां पे जाएगा और बैक साइड पे रखेगा स्टाफ को, हम लेवल ट्रांसफर करना सीखते हैं। कैमरामैन को बोलूंगा यहाँ पे हमारा एक बार बेंचमार्क दिखा दे, ठीक है। फोकस करिए, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये हमारा बेंचमार्क है, आपको अगर दिख रहा होगा हमने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बैक साइड लेंगे, तो रखिए स्टाफ को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रख लिया स्टाफ को, आप थोड़ा पीछे आ जाए इधर, ठीक है, आ जाए पीछे, बढ़िया, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया। तो ये हमने स्टाफ को रख लिया है यहाँ पे, मैंने ये बेंचमार्क लिया था जिसका आरएल 100 माना था। अब यहाँ पे मैं अपनी पहली रीडिंग लूंगा जिसको मैं बोलता हूँ बैक साइड। तो कैमरामैन को बोलूंगा वापस से चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की ओर, रेडी है आप लोग रीडिंग लेने के लिए, स्टार्ट करिए। कितनी रीडिंग सारी बताओ सर, पहले हम इस नोब से एक रफली देख लेते हैं स्टाफ को, हाँ ये इसको बोलते हैं हम गन पॉइंट, बेसिकली बोलते हैं ऑप्टिकल साइट, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं स्टाफ को निशाना लगाते हैं कि एक्चुअल में वो है कहाँ पे, अंदाजा। नहीं तो फिर क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब से हम घुमाते ही रह जाएंगे, मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। तो फिर चलिए, आठ
830 इनका कहना है, और एक आता है ये चेक करिए, क्रॉस चेक करिए इनको 830। उसके बाद मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पे जाके इनको दिखाएंगे कि रीडिंग्स कितने आए हैं। ठीक है, ठीक है सर, 830 आ रहा है। फिर एक और इंजीनियर चेक कर लीजिए, 830 किस में है? एमएम में। ठीक है, और मीटर में 0.83। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ। यस सर, यहाँ पे जो हमारा स्टाफ हम जो पढ़ते हैं, यस, जनरली व्हाइट पे कितना एमएम लेते हैं? 5 एमएम लेते हैं, और ब्लैक पे कितना लेते हैं? 10 एमएम। ठीक है, तो जो मेरी रीडिंग आ रही है उत्तम ब्लैक के टॉप पे आ रही है, इस पे आ रही है, और 800 के बाद कितने? 30, तीसरे वाले ब्लैक पे आ रही है, तीसरे वाले। ठीक है, तो पहले व्हाइट पे गया तो 5, फिर सेकेंड ब्लैक पे गया तो 10, तीसरे व्हाइट पे गया तो 15, फिर ब्लैक पे गया तो 20, और उसके बाद फिर व्हाइट पे गया तो 25, और ब्लैक पे गया तो 30। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो रीडिंग पढ़ा है बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन को कि यहाँ पर आप दिखाएं कि क्या वो 830 पे वो रीडिंग आ रही है कि नहीं। टैप कर दो स्क्रीन पे एक बार। हाँ, आराम से। ऊपर तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो सेंटर वाला क्रॉस हेयर है वो एग्जैक्ट तीसरे वाले ब्लैक पॉइंट पे दिख रहा है आपको, जो कि 800 से ऊपर है। ऊपर है, तो हमारी पहली रीडिंग हो गई। यस सर, जिसको हम क्या बोलेंगे? बैक साइड। ठीक है, अगर अब मेरे को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, इसका इंस्ट्रूमेंट का हाइट निकालना है, फाइंड करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा? बेंचमार्क को बैक साइड में प्लस कर देंगे। मतलब वहाँ पे जो हमने बेंचमार्क में जो आरएल हमको दिया गया है, ठीक है, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? आरएल रिफरेंस पॉइंट, सर, फिक्स पॉइंट, जिसका हमें एलिवेशन या आरएल क्या होता है? नॉन पता होता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। ठीक है, तो वो 100 मीटर था, 100 प्लस बैक साइड, तो क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो 100 प्लस 0.830 कितना हुआ? 100.830 मीटर मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब मैं स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट करवाऊंगा, आप इधर आ जाइए, एक दूसरी जगह लीजिए स्टाफ, फिर से आप लोगों को रीडिंग्स लेने हैं। ठीक है, फोर साइड, अर्थ सरफेस पे दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मैं एक रीडिंग ले रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं अपनी जो रीडिंग लेने वाला हूँ वो मेरी लास्ट होने वाली है, जिसको मैं बोलने वाला हूँ फोर साइड। अब मुझे इस अर्थ सरफेस में इस पॉइंट का आरएल क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब बेसिकली मैं अपने बेंचमार्क का जो आरएल था उसकी मदद से मैं नया आरएल फाइंड करूंगा, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? आरएल ट्रांसफर करना या लेवल ट्रांसफर करना। तो ठीक है, चलो वापस चलते हैं रीडिंग्स के लिए। रीडिंग्स कितने आए फोर साइड के? सर, फोर साइड के 555 एमएम आया। 555 एमएम आया मीटर में, मतलब 0.555। ठीक है, हम लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या था? हाइट ऑफ 100.830। तो हमको अब नया आरएल फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फोर साइड को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करिए सर, 100.275। अगर हम 100.830 में माइनस किए 0.555 को, तो कितना आया? 100.275। इस तरह से हमने क्या कर लिया? एक नया आरएल कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया, और एक आरएल के मदद से दूसरे आरएल को ट्रांसफर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह हमने आज अपना हार्ड डे 60 चैलेंज का 17वां दिन ख़त्म किया है। तो इसी तरह आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।